वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? आई हो बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों, ये है 10 चक्का ले लैंड, और ये है 2017 मॉडल, और इसके साथ मतलब वो हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब ले लैंड का इतना मजबूत हैवी स्पेयर पार्ट होने के बावजूद भी टूट गया। तो दोस्तों, पहले आप ये देख लीजिए कैसे टूट, ये देखो पूरी बोगी नीचे से टूट चुकी है, बस ये एक दो चक्कर ड्राइवर साहब ऐसे ही मार दिए हैं। तो दोस्तों, सब कुछ आपसे शेयर करता हूं कि क्या हुआ इस गाड़ी में। तो दोस्तों, ये सर जी मेरे पास ड्राइवर साहब गाड़ी लेकर आए, तो ये देखिए कैसे बुरी तरह से नीचे से बिल्कुल टूटा हुआ है। अब हम फिलहाल तो इसको खोल रहे हैं। तो गाड़ी लेकर आए तो इन्होंने कहा भी बोगी टूट रही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये जो सस्पेंशन है कोई बात नहीं, चाहे टाटा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब ले लैंड है, पहले मैंने मेरे दिमाग में ही मैं कहा यार सामान की बड़ी दिक्कत हुई। अब जो मेरे दिमाग में आई वो आपको मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, जो मेरे भाई चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आते ही ड्राइवर साहब को कह दिया, मैंने कहा यार ये ले लैंड है, सामान में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैंने, चला कोई बात नहीं, आप गाड़ी लगाओ अंदर, तो मैं खोलना स्टार्ट करता हूँ, तो जैसा भी होगा। तो मैंने मालिक से भी इनके बात करी, तो वो कह रहे आप खोलिए, देखते हैं जैसे भी होगा। तो मैंने यहाँ पर जो हमारे ले लैंड कंपनी में जो वहाँ पर मतलब जो मैनेजर हैं, मैंने वहाँ पर भी उनसे बात करी, तो वो कह रहे आप खोल लाओ मेरे पास, मतलब जो चीज़ टूट रही है ना उसको खोल कर मेरे पास लेकर आओ, तो देख लेंगे जैसा भी होगा। और यहाँ पर एक दो स्पेयर पार्ट्स वाले हैं जिनके पास मतलब एजेंसी है ले लैंड की, तो मैंने उनको बताया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ वहाँ मिल जाएगी। क्योंकि देखो, ले लैंड कंपनी के एक पट्टा या कोई बोल्ट लेने के लिए भी बहुत देर तक मुशक्कत करनी पड़ती है, तो ये तो फिर इसकी बोगी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाली है इसके लिए, मतलब धक्के खाने वाला काम हो जाएगा और कुछ नहीं। तो फिलहाल तो हम इसकी रकाब खोल रहे हैं। तो दोस्तों, रकाब हमने निकाल दी है, और आप ये देखिए इसका बोगी की हालत, नीचे से बिल्कुल टूट चुका है, बस राम भरोसे चल रही थी, ये ऊपर वाले के भरोसे ही चल रही थी, बस पता नहीं कैसे यहाँ तक आ गए, नहीं तो ये रास्ते में खड़े हो जाते तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी इनसे। और तो अब हम फिलहाल कमानी इसकी खोल के नीचे रखेंगे, और जो टूटी हुई जो ये सस्पेंशन है इसका, जिसको हम बोगी भी कह देते हैं, सस्पेंशन भी कह देते हैं, तो ये इसको निकाल के, इसको हब को पूरा इनको निकाल के देंगे। क्योंकि मैंने तो जहाँ पर पूछा था वो कह रहे थे आप खोल कर ले आना, लेकिन चलो जो भी है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ ये हुआ कैसे। ये हुआ ऐसे कि देखो, ये चीज़ पर कोई जल्दी से ड्राइवर गौर नहीं करते, और ये जो गाड़ी है इस पर लगभग हर छठे महीने या 4 महीने बाद ड्राइवर चेंज होता है, या ड्राइवर मालिक की नहीं बनती या जो भी है। तो ये हमने दोस्तों खोल लिया, ये दिखाता हूँ मैं पहले आपको, ये देखिए ये बोगी इसकी सारी टूटी हुई है जो कमाने वाली है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो पूछ लिया है वो इनको देखने के बाद मना कर दिया, यहाँ पर कहीं नहीं मिला वो कंपनी में भी और स्पेयर पार्ट में भी। तो दोस्तों, ये टूटी हुई बोगी देख लीजिए, ये रही, और ये बुश वगैरह सब इसके ख़त्म हैं। तो यहाँ से लेकर और इसको नए आने तक, जब नए लेकर आए वो, तो पूरे 6 घंटे का टाइम लगा दोस्तों। ये देखिए, नई तो ले आए हैं, अब आपको इसकी भी राम कहानी बताता हूँ। पूरे 150 किलोमीटर हमारे वर्कशॉप से 150 किलोमीटर दिल्ली पड़ता है, और इनके मालिक साहब जो हैं वो दिल्ली खुद गए और दिल्ली से लेकर आए। हम 6 घंटे ऐसे ही बैठे रहे, और जब तक ये आया तो मैंने इनको WhatsApp पे पिक्स भेज दी थी। तो इसको हम कर रहे हैं फिटिंग। तो दोस्तों, ले लैंड में ये बड़ी प्रॉब्लम है सामान आने की, सामान मिलने की। हम 6 घंटे बैठ रहे, सुबह 9 बजे गाड़ी आई थी, और शाम के अब 6 बज रहे हैं, और इसको अब हम कर रहे हैं फिटिंग। फिटिंग करने के बाद, तो दोस्तों ये तो दिक्कत है यार, ले लैंड में शुरू से ही दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत आती है, पता नहीं मतलब ये ले लैंड कंपनी, मतलब देखो स्पेयर पार्ट तो कम से कम पूरा कर दो, अगर गाड़ियाँ आप इंडिया में दे रहे हो कम से कम स्पेयर पार्ट तो पूरा कीजिए आप, बिना स्पेयर पार्ट के गाड़ी में काम खोलने में मज़ा ही नहीं आता। वैसे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्पेयर पार्ट से प्रॉब्लम होती है। तो दिल्ली गए, वहाँ से लेकर यहाँ आए हैं, तो चलो खैर कोई बात नहीं। और दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि ये ड्राइवर लोग हर 4-5 महीने बाद चेंज हो जाते हैं। और दोस्तों, ये गाड़ी चलती है लगभग 60 से 70 टन में,
और देखो जब ड्राइवर भी चेंज होना, उधर से गाड़ी भी ओवरलोड चल रही है, तो देखो कुछ ना कुछ तो टूटेगा ही टूटेगा। तो दोस्तों ये आप देख रहे होगे फ्रेम भी यहाँ से प्लेट लगी हुई है साइड में, ये विपिन के सिर के ऊपर की साइड आप देख रहे होगे, और ये फ्रेम भी यहाँ से वेल्डिंग करा था मैंने कोई लगभग 1.5 साल पहले। ये फ्रेम भी किसी से कराया था, उसकी तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाता था, बट ये 1.5 साल पहले मेरे पास ये फ्रेम वेल्डिंग करने के लिए आया था, तो आज तक भी यूँ चल रहा है, मतलब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भाई साहब फिर उस टाइम से हमारे पे फिदा हो गया, जो मर्जी कह लो, तो ये हमारे से अलावा कहीं काम ही नहीं कराते। वो कह रहे गाड़ी खड़ी भी होगी तो आपकी वर्कशॉप में होगी, तो हमें पता आप पर ही विश्वास है। तो मैंने कहा सर फिर आप ले ही आइए, फिर ये दिल्ली गए खुद अपनी कार पर और वहाँ से जाकर लेकर आए। अब हम इसे कर रहे हैं फिट, और फिटिंग करके इसको फिर गाड़ी को कमानी बांध के इनको चलता कर देंगे। तो दोस्तों ये तो थोड़ी दिक्कत होती है, देखो ओवरलोड भी चलाओ और ड्राइवर भी 4-5 महीने बाद चेंज हो जाते हैं या किसी की नहीं बनती, जो भी है, तो थोड़ी सी ले लें। अब ये टाटा का अगर सस्पेंशन होता बड़े आराम से स्पेयर पार्ट से या कंपनी से कहीं ना कहीं से अवेलेबल हम करा ही देते, अगर टाटा की बात हो तो। वो जो अगर कोई बहुत ही ऊंचा मॉडल है या कोई 22 या 23 मॉडल गाड़ी है या बिल्कुल नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो गई, तो वो एक अलग बात है, कोई सामान ना मिले, उसका 99% टाटा का सामान मिल जाता है। ये लेलैंड में बस दिक्कत ही दिक्कत आती है यार। तो खैर कोई बात नहीं, हमें सामान अवेलेबल हो गया, बट दोस्तों सुबह 9 बजे की आई हुई और रात के 6:30-7 बज चुके हैं इसको फिट करते करते, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, जैसे भी होगा फिट तो करना ही है, फिट करके और बस इसको। ये दोस्तों इसकी देखी जा रही है चाल, इसमें जितनी भी चाल की जो मतलब सेटिंग है इसकी हब की, वो शिमों से होती हैं, जो इसके अंदर शिम डलती हैं, मतलब उस शिम से जितनी भी है इसकी नॉर्मल चाल रखनी है, ज़्यादा ढीला भी ना हो, ज़्यादा टाइट भी ना हो। तो वो मैंने इसको बता दिया था विपिन को, अब ये सेटिंग कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। दोस्तों मालिक ने दुखी होने के बाद जब स्पेयर पार्ट का सामान लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ा ना, तो मैं आपको अब बता रहा हूँ, तो मालिक साहब बोले, कह रहे लेलैंड लेकर गलती कर ली बहुत बड़ी, इससे बढ़िया टाटा ले लेते। तो मैंने कहा चलो जो अब ले ही लिया कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। देखो दोस्तों परेशान तो आदमी हो ही जाता है, देखो जब कोई सामान नहीं मिलता, अब देखो जब मिस्त्रियों ने हाथ खड़े कर दिए, हमने ही हाथ खड़े कर दिए, अभी यहाँ से सामान नहीं मिल रहा, अब मालिक तो गाड़ी खड़ी करने से रहा, अब इतनी किस्त भी होती है गाड़ी की और गाड़ी के चक्कर भी, मतलब सारी चीज़ें इकट्ठी रहती हैं, तो देखो गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, तो बंदा परेशान हो ही जाता है जब चीज़ नहीं मिलती। तो फिर उन्होंने, मेरा एक जानने वाला था दिल्ली में, तो मैंने उनको नंबर दिया, तो वहाँ पर तो बहुत मतलब वगैरह सामान काफ़ी मिल जाता है वहाँ पर दिल्ली में, तो इनको मैंने वहाँ पर भेजा, तो वहाँ से जाके ये ले आए सामान, शुक्र है मिल गया, ना मिलता तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती, फिर तो हमें टूटा हुआ ही ऐसे ही लगाकर गाड़ी दोबारा ऐसे ही फिट करनी पड़ती। तो जो भी है चलो खैर, लेकिन मालिक लोग तो परेशान हो ही जाते हैं यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब अब ले ली, लेकिन आगे से मैंने कहा अपना सोच समझ कर देखना, चाहे लेलैंड लो टाटा लो, जिसकी मतलब स्पेयर पार्ट अवेलेबल है आप वो गाड़ी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। और अगर मेरा कोई भाई जो स्पेयर पार्ट की दुकान है, जिसके पास लेलैंड, भारत बेंच, सारी मतलब कंपनियों का जो स्पेयर पार्ट रखते हैं वो, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो हम उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, अगर कोई सामान की ज़रूरत पड़े तो हम ले लिया करेंगे। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा भाई ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ हमें बताएं, मतलब ये ना हो कि मतलब थोड़ा बहुत सामान मिले, सामान A to Z मिलना चाहिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, चलो जो भी है रेट तो रेट ही होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना जिसके भाई के पास भी, जो स्पेयर पार्ट वाला भाई अगर देख रहा हो तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस इसका फिटिंग का काम रह गया, अब सेंटर बोल्ट डाल के कमानी कर देंगे फिटिंग, और तो जब तक ये फिटिंग करेंगे तब तक हम आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आपके कमेंट्स। तो पहले अपने सब्सक्राइबर हैं मेजर सिंह, तो ये लिखते हैं वीर जी वो कह रहा था कि गाड़ी की सावट टूट सकती है, और मेरे पास वीर जी 16-17 भारत बेंच गाड़ी है, और आपने भी देखी होगी गाड़ी का चेजिस और सावट, मेरे ख्याल से तो जब तक गाड़ी की वैलिडिटी है उसके बाद भी नहीं टूट सकती। गाड़ी दूसरी की कंपनी भी रखी है, पर जो स्वाद मतलब भारत बेंच में है वो किसी गाड़ी ने दिया नहीं दिया। तो मेजर सिंह जी बिल्कुल 16-17 गाड़ी हमने देखी है, लेकिन मैंने सावट तो नहीं चलो देखी, लेकिन सावट ऐसे नहीं टूटती। अगर कोई दिक्कत परेशानी है भाई, सर्विस अगर टाइम से नहीं कराओगे तो मतलब टूटती है, ऐसे किसी गाड़ी की सावट नहीं टूटती। और देखो भारत बेंच हो कोई भी कंपनी है, गाड़ी किसी की मतलब घटिया है बढ़िया है मैं वो नहीं कह रहा बात, गाड़ी सब बढ़िया है, अगर आपने भारत बेंच चलाई है, जिसने जो चलाया है वही बढ़िया है,
लेकिन दिक्कत सिर्फ एक आती है, जब स्पेयर पार्ट नहीं मिलता दोस्तों उस टाइम बुद्धि घूम जाती है, जिस टाइम हम उधर से सामान खोल के बैठे होते हैं उधर से सामान नहीं मिलता तो बड़ी दिक्कत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेजर सिंह जी। अगले हैं अपने मोंटू। तो मोंटू जी लिखते हैं, अजीत भाजी ता ही ता गड्डियां वाले तुहाडे कोल आउंदे आ ता असी तुसी उस काम ओरिजिनल कंपनी वांग करदे हो, एक तुहाडे यूट्यूब चैनल ते वीडियोज़ देखन दा ड्राइवरां ते मिस्त्रियां नूं फायदा होण दिया, बंदा किसी बाहरी स्टेट च फसिया होवे तां तुहाडी वीडियो देख के काम करवा लैंदा है। गुड जॉब वरिंदर सिंह जलंधर सिटी पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी, ये तो बहुत वधिया चंगी गल है, मतलब साड़ी वीडियो देख के जे कोई बंदा एवं फसिया है तो बंदा काम करा सकता है, बड़ी चंगी वाली गल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर थोड़ा। अगले हैं अपने मिलन डेगा जी, नाइस वर्क पाजी। पाजी इंडिया में भी ट्रॉली में पट्टे के बिना बैलून लगे हुए देखे हैं? हाँ जी मिलन भाई, बिल्कुल आपने देखे होंगे। सिर्फ देखो अपने इंडिया में भी हैं, जो फ्री एक्सल आते हैं ना उसमें तो बैलून आते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि जो मतलब जिसमें क्राउन एक्सल होता है और सबसे पिछला फ्री एक्सल होता है उसमें बैलून, उसमें तो बैलून किसी कंपनी ने दिए ही नहीं है। अभी तो हमारी इंडिया में सिर्फ कमानी ही चल रही है, जो मेन एक्सल है ना उनमें कमानी ही है, जो फ्री एक्सल हैं उनमें बैलून आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिलन भाई आपका। अगले हैं अपने गुरप्रीत सिंह, नाइस जॉब सर जी, गुड वर्क, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुभाशीष मंडल जी, नाइस सुपर वर्क, लव फ्रॉम हावड़ा वेस्ट बंगाल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले हैं अपने जगदीश लाल जी, अजीत वीर कनाडा के ट्रक में फ्रंट में पैराबोलिक कमानी ही होती है, रियर में बैलून होते हैं? हाँ जी जगदीश लाल जी बिल्कुल होते होंगे, लेकिन ऐसा है देखो वहाँ के ट्रक में हमारे यहाँ के ट्रक में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। देखो वहाँ पर जो ट्रक्स हैं उनकी क्वालिटी और अपने इंडिया के ट्रकों की क्वालिटी का बिल्कुल फ़र्क होगा, कुछ रोड पर भी डिपेंड करता है। वहाँ पर तो आपको एक गड्ढा भी नहीं मिलेगा और यहाँ तो एक किलोमीटर में पता नहीं कितने गड्ढे होंगे, तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। देखो मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। और चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं अपने प्रकाश आहिर जी, ये लिखते हैं, यार पाजी आपके ऊपर अब थोड़ा बहुत गुस्से आने लगा है क्योंकि आप पाजी को दो शब्द नहीं बुलाया अभी तक, कितना इंतजार करना पड़ेगा? अब इंतजार नहीं होता वीरे, वाहिगुरु वाहिगुरु। तो सर जी देखो जिस टाइम मैं वीडियो बनाता हूँ उस टाइम वो सो रहे होते हैं, मतलब जिस टाइम मैं एडिटिंग करता हूँ वो मैं रात को करता हूँ 12-1 बजे, तो वो उनका सोने का टाइम है, और दिन में जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो तो होते ही हैं, मतलब जब हम काम करते हैं। तो चलो खैर कोई बात नहीं, आपकी बात को भी नोट करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं अपने जाट भाई, तो ये लिख रहे हैं, सर मैं ये कह रहा था कि गाड़ी अगर अच्छे रोड पर चलाएँ और अंडर लोड, तो ऐसा हो सकता है कि 10 साल तक गाड़ी की सापट में कोई दिक्कत ना आए या सापट ना टूटे। सर जी मैंने अभी बताया आपको, कभी एक बंदे ने और भी मैसेज किया था मेजर सिंह जी ने, भाई सापट ऐसे नहीं टूटती अगर 10 साल तक गाड़ी की सापट में कोई दिक्कत ना आए। देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अब 10 साल तक आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो 10 साल तक आपकी सापट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खड़ी रहने दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर चलाओगे तो सीधी सी जाहिर सी बात है 6 महीने 8 महीने में कुछ ना कुछ दिक्कत तो ज़रूर आएगी, सापट नहीं पूरी गाड़ी में, हमें चक्के भी ग्रीस कराने पड़ते हैं, कमानी का टाइम से मतलब मेंटेनेंस कराना पड़ता है, अगर मेंटेनेंस नहीं कराओगे तो दिक्कत होगी, उसमें चाल बनेगी, चाल बनने के बाद वो चीज़ टूट जाएगी। तो ये मेंटेनेंस तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, खाली ट्रक नहीं कोई भी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब्दुल रजाक जी लिखते हैं, इष्टपणी का झूला 2006 से ख़त्म कर दिया, जिस गाड़ी में डीजल टैंक डबल दिया है, फिर 2010 में सिंगल टैंक दिया है, इष्टपणी झूला दिया है, अब क्या पता मैं आउट ऑफ इंडिया गाड़ी चलाता हूँ सऊदी अरब से, थैंक्स बाजी। हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल, ये तो चेंज तो होता ही रहता है हर गाड़ी में, लेकिन ऐसी बात नहीं, स्टपनी का शिकंजा तो आता ही है, मोस्टली हर गाड़ी में ही आता है वो, तो वो गाड़ी उसने जो मैंने आपने जिस पर वीडियो पर मेरे कमेंट करा था वो गाड़ी रंग होकर आई थी, बट वो मुझे तो ऐसा लग गया, मैं कहा यार नई गाड़ी में चेंजेस में शिकंजा नहीं आया, मैं कमाल की बात है यार, लेकिन वो भाई ने बाद में बताया भी ये गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद तैयार हुई है, तो अगले ने काफ़ी रीच के साथ उसमें पैसा लगाया था। तो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। महबूब शेख जी, नाइस वर्क पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धर्मिंदर सिंह जी, सत श्री अकाल वीर जी, की हाल चाल ने, ऑल गुड, गुड जॉब, नाइस जॉब, बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी, वधिया सब वधिया, तुसी सुनाओ अपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो आप सभी ने जो कमेंट्स करे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट पढ़ के बड़ा अच्छा लगा, तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, और ऐसा है जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो बड़ा मन खुश होता है, आपके कमेंट्स का जवाब देने में बड़ा मज़ा आता है,
तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसका, देखो बताओ सुबह 9 बजे की गाड़ी आई हुई थी ये 10 चक्का घोड़ा। तो अब इस टाइम रात के 7:30-8:15 हो रहा है और देखो बताओ, मैंने कहा था, मैं कहा चलो कल सुबह कर देंगे काम, लेकिन वो कह रहे जी अभी जानी है गाड़ी। मैं कहा बताओ तुमने जो 6 घंटे, 2.5 जाने में 2.5 आने में, 1 घंटा इन्होंने वहाँ सामान लेने में लगा दिया। मैंने इनको व्हाट्सअप पे भेजा भाई ये चीज़ टूट रही थी। तो देखो अगर ये मतलब ये धक्के खाने वाले काम हो गए ना, ये मुझे पसंद नहीं है। अब देखो ये होती टाटा, इसको अब तक तो हम निकाल देते और हम भी घर बैठे होते आराम से, और ये अब ले लैंड है। बताओ मालिक ने तो गुस्से में आज कह ही दिया, कह रहे ले लैंड लेके गलती कर ली। मैंने कहा चलो जी अब ले ही लिया तो कोई बात नहीं, चलो अब तो ये है कि कोई बात नहीं चलो, लेकिन एक भी अगर बोल्ट इसका ख़राब हो जाए ना, उसके लिए भी 2-3 दिन तक वेट करनी पड़ती है दोस्तों। तो ये बड़ी मुसीबत का काम है इसके लिए। तो चलो यार कोई बात नहीं, आप बन रही है इस वीडियो में, और काम कंप्लीट हो चुका है, बस फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों, रकाबे वगैरह खींच रहे हैं इसकी। तो ठीक है आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों काम निपट चुका है बिल्कुल, और भाई टायर लगा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय 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 और बाय बाय।